हाय रजत। हाय रजत। हाय गाइस, कैसे दोनों यार? अच्छे हैं, तू बता। मैं एकदम फर्स्ट क्लास। लॉन्ग टाइम। आई स्वेयर। तू तो लंबी हो गई। अरे ये पेंटिंग तो वही है ना जिसमें अंजलि ने फर्स्ट प्राइज जीता था? हाँ वही पेंटिंग है ये। अंजलि कहाँ है? अंजलि बस अभी आती होगी। वेल यू गाइस एंजॉय। ओके देन, चलो बाय। चलो बाय। हेलो मिस्टर रजत। हेलो। ऑल गुड? या ऑल गुड। वेल, काफी नाम सुना है मैंने आपका, बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर इन द सिटी। हाँ ऐसा लोग कहते हैं। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 10 साल हो गए। 10 साल? लॉन्ग टाइम। डैड का बिजनेस था, उसी को ज्वाइन किया मैंने। ओके। 4 साल पहले डैड एक्सपायर हो गए। ओह आई एम सो सॉरी। उसके बाद वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो गया। तो कुछ खास है इस पेंटिंग में? मैं देख रहा हूँ आप कब से देख रहे हैं इसको। बहुत खास है। ऐसा क्या खास है? जानना चाहेंगे क्या सच में? बिल्कुल। चलिए बताते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज से 3 साल पहले वो कॉलेज का लास्ट ईयर था जब मेरी अंजलि की पहली बार मुलाकात हुई थी, या बात हुई थी आप कह सकते हैं, और वो भी एक ब्रश के थ्रू। क्या हुआ? हे अंजलि। हाय। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी टुडे। पता नहीं यार आज मेरा ब्रश कैसे टूट गया। थैंक्स टू रजत। अगर ये ब्रश का अरेंजमेंट नहीं करता तो मैं तेरी हेल्प बिल्कुल नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। कम प्लीज हैव अ सीट। पानी। थैंक यू। लेट मी शो यू समथिंग। चेक दिस आउट। एंड द विनर इज अंजलि माथुर। वाओ। प्लीज मुझे सेंड कर दो। सॉरी आई कांट। पर क्यों? सीधा बोलना, नंबर नहीं है तेरे पास तो मांग लो ना। This is your last chance. I hope you will get past.
सभी को समझ आया? ओके, द क्लास इज ओवर। यार रजत, एक हेल्प चाहिए तेरी। मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी बोल। मुझे नहीं पढ़ाना है, एक लड़की है उसे पढ़ाना है, उसका लास्ट ईयर है। सॉरी आई कांट, मेरा भी लास्ट ईयर है। यार बहुत टैलेंटेड लड़की है, बस थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, एक घंटा तो निकाल ही सकता है। भाई यार मुझे माफ़ कर दे। अच्छा सुन, क्या नाम बताया तूने? नाम कब बताया मैंने? तो अब बता दे। अंजलि माथुर। क्या? अंजलि माथुर, वो पेंटर? हाँ वही। अच्छा सुन, अब तू मेरे को इतना फोर्स कर ही रहा है, तो मैं सोच रहा तेरी हेल्प कर ही दूँ। चल। I'm not afraid to die।
सोचा था जो बात 3 साल से नहीं कह पाया वो एग्जाम के बाद कह दूंगा, पर हाय रजत। हे, हाउ आर यू? आई एम गुड। पेपर कैसा गया? अच्छा हुआ। हाउ अबाउट यू? अच्छा था। आई गेस आज तुम्हारा प्रिंट मीडिया था ना? टफ था लेकिन हो गया। ओके ओके। सो आर यू वेटिंग फॉर समवन? नो नो, जस्ट लाइक दैट। मैं बस अभी जा ही रहा था। ओके, बाय बाय। बाय। Yes, Rajat. Sir, Anjali चली गई क्या? Anjali? Sir, Anjali Mathur. Anjali तो एग्जाम देने आज आई नहीं। ये देखो, उसकी एब्सेंट भी मार्क है। खा क्यों नहीं रहा है? क्या सोच रहे हो? वैसे आगे के बारे में क्या सोचा तुमने? अब तो कॉलेज भी खत्म होने वाले हैं तुम्हारे, कोई नौकरी वोकरी छुटी है या नहीं? और हाँ, एक बात और सुन लो, इस साल के अंत तक हमारी शादी का फैसला लिया है मैंने। दैट ना तो मैं शादी करना चाहता हूँ ना ही जॉब। मैंने पूछा नहीं है तुमसे, ये फैसला है मेरा। ये यहाँ क्यों बैठा है? पता नहीं, चलो देखते हैं। हाय रजत। हाय गाइस। यार अकेला क्यों बैठा है? बस यार ऐसे।
By the way, congrats, यार. हाँ, congratulations. मुझे तो पहले से ही पता था टॉप करेगा. Thank you, guys. अंजलि का कुछ पता चला? नहीं यार. रजत. रजत. Provide me some information of one of the students here. Actually, she's my good friend. I just need her address, that's it. Sorry, I can't help you. Please, ma'am, please. This is the last hope I'm having. No, I can't help you with personal information. It's against the university rules. Ma'am, it's the last hope I'm having. Congratulations, Mr. Rajat. You are selected for the post of project manager. Thank you so much, sir. So, you can join from Monday, or if you want to join today itself, you are most welcome. Of course, sir. I would like to join from today. Okay, stay here. I will be right back. So Rajat, meet Anjali Mathur, your project partner. And Anjali, he's Mr. Rajat, your project manager. Rajat, let me tell you something about Anjali. She is one of the best web designers of this company. Aur Anjali already is project pe kaam kar rahi hai, so she will give you all the details of your project.
You're looking beautiful today. You know what? Tum bilkul bhi nahi badle. Acha. Thank you. Oh, you know, I like iced tea. I know your choices. Anjali? क्या तुम मेरे से शादी करोगी? पर रजत, ये एकदम से? ये एकदम से नहीं है, कॉलेज के फर्स्ट डे से है, पर कभी मौका ही नहीं मिला बोलने का। रजत, इट्स टू लेट, आई एम मैरिड नाउ। काश तुमने ये सब 3 साल पहले कह दिया होता। उसको तो ये भी नहीं पता कि आज से 3 साल पहले मुझे कभी मौका ही नहीं मिला उसे कुछ बोलने का, और वो कॉलेज छोड़ के चली गई। कॉलेज छोड़ के चली गई, पर कहाँ? पर तुम अचानक कॉलेज छोड़कर क्यों चली गई थी? याद है तुम्हें, जब मैं तुम्हारे साथ लास्ट एग्जाम देने गई थी तब मुझे एक कॉल आया था। हेलो अंजलि, तुम जहाँ भी हो जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मैं बस पहुँच रही हूँ। अंजलि, हमने तुम्हारी शादी कराने का फैसला किया। हाँ अंजलि, अब तुम्हारे लिए भी अकेला रहना पॉसिबल नहीं होगा, और हम भी तुम्हारी जरूरत के टाइम यूएस से जल्दी नहीं आ सकते। मम्मी पापा के जाने के बाद दीदी ने जो बोला मैंने वो मान लिया। सॉरी अंजलि, क्या तुम अपने पति के साथ खुश हो? उनके पास मुझे देने के लिए सब कुछ है, बस टाइम नहीं है। अच्छा सुनो, वो छोड़ो,
क्या तुम आज ही पेंटिंग्स बनाती हो? हाँ, पिछले कुछ सालों में कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं मैंने। अच्छा चलो अपनी आइस टी पी लो, अब ठंडी हो रही है वो। हाय अमृता, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, मैंने तुम्हारी सारी पेंटिंग्स देखी और बहुत सुंदर है। थैंक यू। स्पेशली वो वाली जो तुमने फर्स्ट प्राइज जीता कॉलेज के टाइम। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी मेरे न्यूज़पेपर पे, ठीक है? ठीक है। तो मेरा पहला सवाल है, हाउ आर यू फीलिंग? मुझे काफी अच्छा लग रहा है, काफी सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो मेरे फर्स्ट एग्जीबिशन को देखने आए, तो आई एम वेरी हैप्पी। और तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें सपोर्ट किया? सपोर्ट उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, पर मुझे खुशी होती कि वो मेरा एग्जीबिशन देखने आते। आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, कम। अंजलि, दिस इज मिस्टर मनन, ही इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजर इन द सिटी। मनन, आप? तुम कैसे जानती हो इनको? He is my husband. He is your husband. कब से चल रहा है सब? सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब गलत समझ रहे हो। तुम क्या सोचती हो, मुझे पता नहीं लगेगा? सर, ऐसा कुछ नहीं। ए! बीच में मत बोल, बहुत सुन ली तेरी कहानी। कब से चल रहा है ये? रजत, क्या सोचने लगे? तुम पेंटिंग भी बनाती हो? अंजलि, आज तक मैं सबके इवेंट मैनेज कर पाया हूँ, लेकिन अपनी लाइफ का इवेंट कभी मैनेज नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। इट्स ओके। रजत, यू आर अ गुड मैन, अच्छे दोस्त हो तुम। शायद जो मुझे अंजलि के लिए करना चाहिए था वो आज तुम कर रहे हो। थैंक्स, आई अप्रिशिएट इट। चले मिलते हैं बाद में। हाँ, मनन, इधर आना। ठीक है, कैसे बोलोगे? हेलो मम्मी।